नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। वक्त हो चला है देश प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। सुल्तानपुर में जिला मुख्य विकास अधिकारी के आदेश पर कस्तूरबा गांधी विद्यालय में चेकिंग की गई। आपको बता दें, जिले के हर स्कूल में ये चेकिंग की जा रही है, जिससे बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया जा सके। सुल्तानपुर में पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मियों को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने की सलाह भी दी। अमेठी में सीएचसी जगदीशपुर अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप तिवारी ने टीबी के 25 मरीजों को पोषण खाद्य सामग्री बांटी। इस दौरान उन्हें समय से इलाज कराने की सलाह भी दी। अमेठी में सीएचसी जगदीशपुर में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान गर्भवती महिलाओं की सभी जांचें निःशुल्क की गईं। अमेठी में बच्चा चोरी होने की अफवाह से एक बच्ची डर गई और उसने कुछ लोगों पर इल्जाम लगा दिया। पुलिस ने बताया कि ये महज एक अफवाह थी और बच्ची डर कर वहाँ से भाग गई थी, जिसने मुसाफिरों को बच्चा चोर समझ लिया था। अयोध्या में अनंत चतुर्दशी के मौके पर जिला नगरीय विकास डूडा के तहत शहर के जनौरा में कृष्णा नगर कॉलोनी पर गरीब महिला स्वयं सहायता समूह की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से की गई। गोंडा में सेठ एमआर जयपुरिया विद्यालय में इन्वेस्टिचर सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी शिल्पा वर्मा, महिला थाना इंचार्ज पूनम यादव और चाइल्ड लाइन 1098 प्रभारी आशीष मिश्रा ने भी बच्चों से मुलाकात करके उन्हें सम्मानित किया। गोंडा में तहसील तरबगंज के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ग्राम सभा एली परसौली के बिहारी पुरवा, केवटाही और बाबूराम पुरवा में बाढ़ कटान पीड़ित 50 परिवारों को बाढ़ राहत सामग्री दी गई। इस मदद से सभी परिवार काफी खुश दिखे। गोंडा में नोडल अधिकारी ने जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। ये बैठक विकास भवन सभागार में की गई। रामपुर में पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने परिवहन शाखा सहित सभी शाखाओं का निरीक्षण भी किया। बरेली में एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में एबीवीपी के नेतृत्व में बीए प्रथम सेमेस्टर के छात्राओं ने जमकर हंगामा काटा। बच्चों का आरोप है कि उन्हें जानबूझकर कम नंबर दिए गए हैं। आपको ये खबरें कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबरें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। अयोध्या वालों के लिए खुशखबरी, नगर निगम की तरफ से कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी सम्मानित गृहस्वामी गृह कर और जल कर जमा करते हुए 10% की भारी छूट का लाभ उठा सकते हैं। गृहस्वामियों के लिए ये योजना नगर आयुक्त विशाल सिंह और कर निर्धारण अधिकारी सुदर्शन चंद्रा की तरफ से शुरू की गई है। ये कैंप 12 सितंबर और 13 सितंबर को सुबह 10 बजे से 3 बजे तक अयोध्या में श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड के पार्षद औरंगजेब के मकान के पास आयोजित किया जाएगा। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।